जनपद में सपा के द्वारा एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट ना देने पर सपा नेता एडवोकेट हिफ्जुर रहमान ने सपा का झंडा जलवाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में एडवोकेट हिफ्जुर रहमान अजमल ने बताया कि स्थापना के समय से सपा से जुड़ा था तथा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ग्रामीण से टिकट देने का वादा किया था और 50 लाख रुपए खर्चा करके प्रचार प्रसार किया, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के समय में उन्होंने जातिवाद करते हुए विजय बहादुर यादव को टिकट दे दिया, जबकि 1,50,000 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मुसलमान हैं। अखिलेश यादव ने विजय बहादुर यादव को टिकट देकर यह सब साबित कर दिया है कि सपा मुसलमान विरोधी है और वह केवल मुसलमानों का वोट लेना चाहती है। उन्होंने टिकट ना देकर मुसलमानों के साथ गद्दारी किया है, इसलिए सपा का झंडा जलवाया गया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज अब सपा को वोट नहीं करेगी, क्योंकि अखिलेश यादव अगर चाहते तो वो हमको टिकट ना देकर किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे देते तो भी हम लोग सपा को वोट देते हैं, लेकिन उन्होंने 9 विधानसभा में किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसी तरह पूरे प्रदेश में जहां भी मुस्लिम बहुमत में है वहां पर केवल यादव को ही टिकट दिया गया है। यह मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। इस संबंध में जब सपा जिलाध्यक्ष अवधेश यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सपा सभी वर्गों का सम्मान करती है तथा विजय बहादुर यादव पिछले विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर दी थी, जिसके वजह से उनको दोबारा टिकट दिया गया है। जब उनसे इस मामले में अपना पक्ष रखने की बात की गई तो उन्होंने मना कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा नेता इकबाल अहमद अंसारी एवं एडवोकेट हिफ्जुल रहमान अजमल ने कहा, चुनावी माहौल चल रहा है और क्या नाम है, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के अपनी जो है किस्मत आजमाने के चक्कर में रहता है, और जैसा कि आपको मालूम है कि हम सबका अधिकार है चुनाव वोट देने का और वोट लेने का, दोनों तरीके का अधिकार है हम लोगों का, लेकिन आज हमारे बीच में क्या नाम है समाजवादी पार्टी ने सबसे मजबूत प्रत्याशी हिफ्जुर रहमान अजमल का टिकट काट दिया, जिसका हम लोग इसका विरोध करते हैं, और एक चीज का संदेश दिया कि जो आदमी बसपा में जो आदमी पहले भाजपा में 10 साल विधायक रहा आज वही उसी आदमी को फिर से दोबारा से टिकट दिया गया। हम मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि आप लोग कब इसका विरोध करेंगे, जो आदमी 10 साल भाजपा का विधायक रहा क्या उसकी मानसिकता बदल गई, ये सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत है। लोगों की किस्मत जो है अल्लाह मियां क्या से बन के जरूर आती है, मगर किस्मत बनती है विधानसभा में लोकसभा में, वहाँ आपका कोई आदमी नहीं है। इस पूरे गोरखपुर में 9 विधानसभा में एक भी टिकट आपके आदमी को नहीं दिया गया। क्या हम इनके बंधुआ मजदूर हैं कि केवल हम इनको वोट देने का काम करेंगे? विधानसभा में बैठने का उसको हक नहीं है? बीजेपी का हक, बीजेपी को सिर्फ जिताने हराने का जिम्मा हमारा है केवल? किसी यादव, किसी कुर्मी, किसी लोहार, किसी कश्यप का नहीं है, सिर्फ हमारा है। हमारा हक है कि हम बीजेपी का हराने का काम करेंगे। हम कब जागेंगे? जो आदमी कहता था कि मुसलमानों का रक्त बीज मिटा देंगे, आज वो हम उसको अपने कंधे पे बैठा करके घुमा रहे हैं, आज उस आदमी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। जो कहता था कि कब्र से निकाल करके मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे, वो आदमी को पार्टी में शामिल करा लिया है, और हम लोग इतने बेगैरत आदमी है कि उसको अपने कंधे पे बैठा करके घुमाने का काम कर रहे हैं। हमारी हैसियत बिरयानी खाने वाले से ज्यादा की नहीं है? इनको मालूम है कि इनको एक बिरयानी बनवाने में इकट्ठा हो जाएंगे। आज देखिए, 5 साल पहले इसी रोड पर हम लोग घूमते थे निषाद जी के साथ, आज उनकी हैसियत देखिए कि उनका समाज 2% निषाद इकट्ठा हो गया, आज उसके आदमी को 15-15 टिकट मिल रहा है। आज हमारी इज्जतदारी कहाँ है? इसी गलियों में मैं संजय निषाद के साथ घूमा करता था, लोग मजाक उड़ाते थे, आज वही संजय निषाद देखिए सरकार में हिस्सेदारी तय कर रहा है। और आज हमारे समाज का, आज हमारा समाज हाशिए पे आ गया, टिकट कटा है, हम लोग उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। यार ऐसे कैसे चलेगा? अरे हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं है? हमारे समाज में इंजीनियर डॉक्टर नहीं है? किस चीज की कमी है भाई? हम ये नहीं कहते कि पूरे गोरखपुर में हमको टिकट चाहिए, लेकिन ये विधानसभा हम लोगों की थी, यह सबसे ज्यादा वोट हमारा था, हमको क्यों नजरअंदाज किया गया? कोई तरीके का, हम लोग एकदम गूंगे बहरे हो गए हैं। सबसे ज्यादा नौकरियों में किसको भरा? यादव को।
को भरा। हम केवल तुमको राजा की कुर्सी में बैठाएंगे और यही अखिलेश यादव कहता था कि क्या नाम है, हम ये रिक्शा बांटेंगे। जो लोग मुसलमानों में हमारा सबसे बड़ा इलाका बुनकर का इलाका है, ये बुनकर लोगों को तन ढाकने का काम करता था, आज एकदम हाशिए पे आकर के खड़ा हो गया। आज हमारे समाज के लोग कोई मुर्गा काट रहा है, कोई पकौड़ी बेच रहा है, ये हमारा काम नहीं था। अगल बगल के लोग आकर के हमारे यहाँ कारोबार करते थे, 10 लोगों का हमारे यहाँ से घर चलता था। आज हमारे समाज के लोग जाकर के सऊदी में जाकर के हर एक घर से एक दो लोग घर से बाहर हैं, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। 30 साल 35 साल की लड़कियाँ हो गई, हमारी शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है, इसलिए कारोबार नहीं है। और जब बात होती है लोग कहता है पढ़ो, जब खाने को नहीं होगा तो पढ़ेगा कहाँ से आदमी, अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा। पहली प्राथमिकता होगी कि आदमी पेट भरेगा, पेट भरेगा तो अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा। आज आप उठा करके देखिए, मैं दूर की बात नहीं कर रहा, मैं और किसी नेता की बात नहीं कर रहा, यही संजय निषाद था, इसी गलियों में मेरे साथ घूमता था। आज संजय निषाद को देखिए कहाँ बैठ गया, 2-3% निषाद है, और उत्तर प्रदेश में 20% के मुसलमानों में अकेली हमारी बिरादरी 12% है। ये इस गोरखपुर में 1.5 लाख वोट है मुसलमानों का, जिसमें 1.25 लाख वोट अंसारियों का है, बुनकरों का वोट है, नेता कौन होगा बताइए आप। आज 3 पार्षद यादव है, 8 अंसारी अकेले पार्षद, वोट हमारा राज तुम्हारा है, कैसे चलेगा भाई। हम किसी का काम करते हैं, मजदूरी लेते हैं। ये मैं कोई गीत नहीं गा रहा हूँ, ना कोई मैं बता करके नहीं बात कर रहा हूँ, ना मैं अपने टिकट की बात कर रहा हूँ। मेरी चाहत है कि हमारे भी समाज के आदमी का भला होना चाहिए। हमको दुख होता है हमारे समाज का आदमी रिक्शा चला रहा है, चाहे वो बैटरी वाला चलाए, चाहे वो जैसा चलाए, रिक्शा रिक्शा होता है। आज हमारे समाज का आदमी कोई रोड पे खड़ा होकर के, सबके हालात अच्छे नहीं है यार, जागिए नहीं जागिए का खत्म कर दीजिएगा। आप देखिए ये समाज, पहले ये हम लोग खड़े नहीं हो पाते, आवाज एक दूसरे के नहीं सुनाई देती, किसी को कोई फिक्र है। और अखिलेश यादव ने ये साबित किया है, हम कसम खाते हैं कि एक एक घर जा करके उन रिश्तेदारों से रिश्तेदारी खत्म कर देंगे जो विजय बहादुर यादव को टिकट वोट देगा, उन रिश्तेदारों से रिश्तेदारी खत्म कर देंगे। जो यहाँ जा रिश्ता है अपने रिश्तेदारों से कहिए हमारा प्रत्याशी जीते हारे इससे कोई मतलब नहीं है, हम उसी को वोट देंगे जो हमारे बीच का आदमी होगा। हम ये नहीं कहते कि अजमल भाई को दीजिए, अजमल भाई से अच्छा आदमी दीजिए, लेकिन हमारे बीच का आदमी दीजिए। हमको अपने समाजवादी पार्टी का जब से स्थापना काल है, जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से मैं उसे जुड़ा हुआ हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ, उनके मीटिंगों में जाता था। लगभग 2.5 साल से लगातार मैं क्षेत्र में बना हुआ हूँ, चुनावी उसमें कोई भी गांव, कोई मोहल्ला, कोई सा जहाँ नहीं बना बचा, जैसे हम बना गया हूँ। अखिलेश यादव ने मुझसे कहा कि आप तैयारी करिए जाकर के, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, एक टिकट 9 में से एक टिकट आपको दिया जाए, और उन्होंने मुझे टिकट ना दे करके पूरे समाज के साथ गद्दारी किया। सिर्फ हमारा वोट लेना चाहते हैं, हमको वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दुर्गा जी हमें कहना है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, मुसलमानों को उन्होंने बंधुआ मजदूर बना रखा है। आज ज़रूरत है तो मुसलमानों को जागने की, और रही बात बीजेपी हराने की, तो बीजेपी हराने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमान की नहीं है, जिसको जिसको तकलीफ है सारी बीजेपी की जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी मुसलमानों की है उतनी जिम्मेदारी यादव की भी है, उतनी जिम्मेदारी अजमल की जितनी अखिलेश यादव की भी है। अब बीजेपी को हराना भी है और बीजेपी के आदमी से हराना है, तो हम तो हार के फिर वहीं पहुंच गए। अगर हम उस कैंडिडेट को फिर सुनते हैं जो बीजेपी का विधायक 10 साल रहा हो, फिर 10 साल वो विधायक रहे, तो फिर बदला क्या, ये आप लोगों से सवाल है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, एक वकालत पेशे से आते हैं, अल्लाह का शुक्र है, और इज्जत भी, सारे लोग हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को समर्थन है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग उनका विरोध करिए, समाजवादी पार्टी का जो भी आदमी दिखाई दे उसको दौड़ा लीजिए मोहल्ले से। एक बार है मदन सारी, ये समाजवादी पार्टी का विरोध इसलिए हो रहा है कि हमारे समाज को सीधे सीधे निग्लेक्ट किया जा रहा है। पूरी 909 विधानसभा में एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया गया है, जिसका कारण ये है कि हम लोग जो है खुल करके विरोध कर रहे हैं, हमारे समाज के आदमी को हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। समाजवादी पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये यादववादी पार्टी है। अब मुस्लिम समाज से मैं भी अपील करूंगा, और मेरा जो भी मुस्लिम समाज है वो अपनी पार्टी को वोट करेगा, वो हम लोगों का खुला समर्थन इस पार्टी की तरफ रहेगा। विजय बहादुर की फिर इस बार, जैसे पिछली बार हार गए थे विजय बहादुर यादव,
और सपा के जो बड़े नेता हैं वो खुद उनको हराने का काम करेंगे। पिछली बार भी सपा के नेताओं की वजह से विजय बहादुर यादव ये सीट नहीं जीते थे और इस बार भी वो लोग हम लोग का भरपूर साथ देंगे, उनको जीतने नहीं देंगे हम लोग। हिफ्जुर रहमान अजमल एडवोकेट। समाजवादी ये है कि मैं स्थापना काल से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे छोटे भाई जिलाध्यक्ष के पद पे भी रहे विघट के 8 से 10 साल और सब कुछ बर्बाद कर दिया उन्होंने। अखिलेश यादव ने टिकट का वादा किया था, ग्रामीण विधानसभा टिकट दिया जाएगा। मैंने 50 लाख रुपया खर्चा किया, प्रचार प्रसार किया और आज अंतिम समय में उन्होंने अपने जो है जात बिरादरी के विजय बहादुर यादव को उन्होंने टिकट देकर ये साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के विरोधी है, सिर्फ मुसलमानों को वोट लेना चाहती है और उन्होंने हमारे कौम के साथ गद्दारी किया है। इस नाते उनका झंडा जलवाया गया। आप देखा जाए मुस्लिम समाज किधर वोट करेगा या आगे किधर जाएगा? मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को कतई वोट नहीं करेगा। और रही बात भाजपा को हराने की, तो भाजपा को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। जितनी जिम्मेदारी हमारी है मुसलमानों की है, उतनी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की भी है। अगर वो इस जिम्मेदारी को समझते तो नहीं मुझे तो किसी न किसी मुस्लिम प्रत्याशी को जरूर प्रत्याशी बनाते, 9 विधानसभा में से एक पर जरूर बनाते। पथरदेवा में 40% मुसलमान है, वहाँ पर साकरेही मरहूम साकरेही साहब कुछ 100 वोटों से आ रहे थे, उनके लड़के को तैयारी कराया, बेचारा सदमे में आ गया, वहाँ भी वोट काट करके टिकट काट करके उनकी बरंगा त्रिपाठी को दे दिया। हर जगह इन्होंने जहाँ भी कैसली विधानसभा है वहाँ 40% मुसलमानों का वोट है, वहाँ पर 2-3% यादवों को ठोका, वहाँ एसपी यादव को टिकट दे दिया। जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुमत में है वहाँ पर उन्होंने टेक यादव बिरादरी को टिकट दे करके मुसलमानों को जलील और बेइज्जत करने का काम किया है। और हम लोग पुरजोर मजम्मत करते हैं और मैं पीस पार्टी चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि पीस पार्टी को मजबूत बनाए और इनका पैर उखाड़ के फेंकें पूरे यूपी से।